नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। चमोली नामकरण के आखिरी दिन आज नगर पालिका गोपेश्वर में भाजपा और कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने दलबल के साथ शक्ति प्रदर्शन कर अपना नामकरण दाखिल किया। नामकरण के आगे दिन आज भाजपा से पुष्पा पासवान, कांग्रेस से सुरेंद्र लाल, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जगत लाल, संतेश्वरी देवी, दीपक खंडेरा, राकेश लाल सहित कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। बता दें, आज नामांकन का आखिरी दिन था। चमोली जिले के सभी निकायों में लगभग 200 प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं। बता दें, 18 नवंबर को चुनाव होना है। जो ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर पालिका में हैं, एक तो उनका विकास कम हुआ है। जो आज जब से नगर पालिका बने हैं वो उस मुख्य विकास की कैटेगरी में नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर जो छोटे लोग हैं उनको भी ज़्यादा मौका नगर पालिका में नहीं दिया गया है। मैं इनके लिए जो है, मैं सोच रहा हूँ कि जनता के सेवक बन करके यहाँ पर 5 साल कार्य किया जाए, अगर मुझे मौका मिल जाए। विकास को लेकर चुनाव में हैं और नगर क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वार्ड में बिजली, पानी, नाली, खड़िंजा, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी, उन कार्यों के लिए मैं चुनाव में उतरा हूं, ताकि हमारे प्रत्येक वार्ड में लोगों को सारी सुविधाएं मिल सके। धन्यवाद।